नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर वाराणसी से है, जहां भारतीय युवा कांग्रेस ने युवा क्रांति यात्रा की शुरुआत एक क्रांति के रूप में देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता, असहिष्णुता एवं संविधान और असंवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए के उद्देश्य से प्रारंभ की है। यात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ होकर देश के प्रत्येक राज्य से होकर कश्मीर तक जाएगी और शहीद दिवस 30 जनवरी 2019 को दिल्ली के राजघाट तक पूर्ण होगी। युवा क्रांति यात्रा 16 दिसंबर 2018 को रामेश्वरम कन्याकुमारी से भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीनिवास वेंकटेश के साथ राष्ट्रीय सचिव जेबी माथेर और युवा कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक रीति रिवाज से धार्मिक अनुष्ठान एवं इस यात्रा की सफलता के लिए रामेश्वरम मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पूजन के उपरांत भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मिलन बिंदु धनकोट से यात्रा के विधिवत प्रारंभ की घोषणा की और साथ ही बताया कि अब समय आ गया है कि जब हम एक साथ होकर मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करना है, समाज को जाति पाति धर्म व मजहब में बांटने वाले को रोकना है। मोदी सरकार जनता के विश्वास पर पूरी तरह असफल रही, हर एक मुद्दे पर उसने जनता को निराश किया है। चंद उद्योगपतियों की तिजोरी भरी है, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपनी आंखें और कान बंद किए जबकि किसान आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, जगह जगह सामाजिक दंगे हो रहे हैं, देश का सामाजिक ताना बाना विध्वस्त हो चुका है। भारत के कुशल और अकुशल वो नौजवान जो दुनिया के देशों में जाके श्रम करके भारत में पैसा लाते थे, विशेष तौर पर इस इलाके में, मैं भी देवरिया से आता हूँ, पूर्वांचल की आर्थिक संपन्नता एक विदेशों से नौकरी के आधार पर जो पैसे आते थे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद एक साजिश रची गई कि गरीबों को यहाँ उनका शोषण जारी किया जाए, ऐसा मानक बनाया गया कि भारत के मजदूर इन रेट पर ही दुनिया में जा सकते हैं। उन कंपनियों ने नेपाल से, साउथ अफ्रीका से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नाइजीरिया से आज मजदूर ले रही है। भारत में मजदूरों को बड़े पैमाने पर वापस भेज दिया गया, ठगने का काम किया। कांग्रेस हमेशा उठाई है। और जो आपका सवाल था वो अंतिम था, माननीय राहुल गांधी जी ने हमारी पार्टी ने जो कृषि और अर्थव्यवस्था से घोषणा की है, आप देखिएगा हमारी सरकारें जहाँ जहाँ आई हैं, राज्यों में शुरुआत होने जा रही है, केंद्र में भी आते हैं। एक सवाल, बेरोजगारी की बात किया जाए, आप इसका जवाब दिया, मुख्य मुद्दा क्या होगा आगामी जब? मुख्य मुद्दा होगा कि ये जो लूट लूट और सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, चाहे जितने सवाल कर ले, राफेल विमान सौदे से लेके इस देश में जितने मेहुल चौकसी, ललित मोदी से लेके जितने लोग भागे हैं, कहीं सुषमा स्वराज की बेटी तो कहीं अरुण जेटली की बेटी 24 लाख लेती है, अकाउंट में साबित हो चुका है। ये जो लूट मची है, ये हमारी पार्टी का सबसे बड़ा एक सवाल है, लूट का सवाल है। उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की एक एक रिपोर्टों को लागू करूंगा और देश के अन्नदाताओं की स्थिति सुधारूंगा, लेकिन जो 3,20,000 से अधिक किसान आत्महत्या की है वो हमारी पार्टी का सबसे बड़ा विषय है। देश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए कृषि से जुड़े जो कुटीर उद्योगों को हम विकसित करेंगे, ये हमारी पार्टी का यह मुद्दा होगा। और जो पेंशन बहाली वाला एक विषय है देश के अंदर, अधिकतम राज्यों में मैनिफेस्टो में हमारी पार्टी ने सुधार किया था कि हम पुनः वो जो पुरानी व्यवस्था है उसको नए सिरे से क्या व्यवस्था